मंदिर अगर 150-200 साल पुराना है तो इसको चलाने वाले भी जिन भूत नहीं होंगे, इंसान ही होंगे, और वो ब्लड के शेड्स जो है ना वो मेरे ही फैमिली के हैं, किसी और मद्रासी ट्रस्ट के या किसी और भंगी फैमिली के या दूसरों की फैमिलीज के नहीं है, जो क्रिश्चियन है, वॉट एवर दे आर, आई डोंट नो। बात ये कि वो मंदिर का नाम लेकर मेरी रिहायशी अहाते को कब्ज़ा करना चाहते हैं, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं एक अकेली लेडी यहाँ पर ओन करती हूँ, तो मैं इस चीज़ का क्या करूँगी। मैं मुस्लिम हो गई हूँ, मैंने ये मंदिर बेच दिया है 6 करोड़ में, 7 करोड़ में, वॉट एवर, अगर 6-7 करोड़ में मंदिर बेचा है तो फिर मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। अगर मैं मुस्लिम हूँ, हो गई हूँ या जो भी है, तो अब उसका प्रूफ मेरे पास लेकर आए। वाली साहब था उस वक्त हम लोग आते थे, अंदर हम लोग जाते थे, किस दिन से ये बेटी है उस दिन से हम लोग मंदिर पे नहीं छोड़ती है, मंदिर ताला लगा कर रखती है, हमारे मंदिर का गुम्मट सारा तोड़ दी और ये बिल्डिंग बना रही है, 7 करोड़ का बेचने के लिए बोल रही है, हम बेचेंगे अभी, हमारा मंदिर हमारे को चाहिए, हमारा हमारी माता का मंदिर है, हम नहीं छोड़ेंगे मंदिर, हमारी है ये मंदिर, इनके हवाला किए, इसका ये मतलब थोड़ी कि इन लोग अपना बना ले, इनको रखवाली के लिए दिया हुआ, क्योंकि हमारे लोग तो यहाँ रहते नहीं, सारे जिना में रहते हैं। हम अपने मंदिर को खुद सेव करेंगे, मंदिर को उठा के इसने नाले के ऊपर रख के पूरा बना के 8x6 का बना के मंदिर बना दी, और जो पीछे का हिस्सा था पूरा जहाँ माता की सट्टी थी वहाँ इसने अपना बिल्डिंग खड़ा करने के लिए 60 करोड़ रुपए का जगह बेच दी। जो हमारे पुरखों ने एक उसका स्थान बनाया था कि उनकी देवी का स्थान, ये बगैर पूछे रात ही रात उसको उठा के एक नाले के ऊपर रख दिया गया है, ये एक बहुत बड़ा गुनाह है, और पाकिस्तान के लॉ एंड ऑर्डर में जो भी सजा है उसको मिलनी चाहिए, हमारी पाकिस्तान गवर्नमेंट से यह अपील है। एज ऑफ येट अभी तक जो दोनों पार्टी से, चाहे वो मद्रासी हिंदू पंचायत है या जो कस्टोडियन ऑफ टेम्पल है, उन्होंने कोई भी चीज़ हमें ऐसे प्रूफ के लिए नहीं दी, डॉक्यूमेंट्री जिससे ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी इस्टेब्लिश हो सके। तो इसी के कॉन्टेक्स्ट में हमने आज जो है लेटर इशू किया, हमारे जो मैंडेट है सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन का एज अ वॉच डॉग ओवर द इशूज़ ऑफ ह्यूमन राइट्स, तो हमने सेक्रेटरी माइनॉरिटी अफेयर्स डिपार्टमेंट और कमिश्नर कराची को दोनों को लेटर इशू किया कि ये जो है मैटर जो है इसको थोरोली इन्वेस्टिगेट किया जाए और ये तयन किया जाए कि प्रॉपर्टी आया इट्स अ प्राइवेट प्रॉपर्टी आया इट्स अ कम्युनल प्रॉपर्टी, उसके बाद अप्रोप्रिएट एक्शन जो है लॉ के अंडर उसको लिया जाए।